नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, बुध मिथुन राशि में आ रहे हैं और वो टाइम है 2 जून। 2 जून को रात्रि को 12 बजे के बाद प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में बुध अपनी स्वगृही राशि में आ जाएंगे। गृहीय मंत्रिमंडल के राजकुमार अपने घर में आकर क्या सौगात देंगे राशियों, अन्य राशियों को भी और स्पेशली मिथुन राशि को भी, इसका वर्णन मैं आज के वीडियो में करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। मित्रों, बुध को गृहीय मंत्रिमंडल में राजकुमार का दर्जा दिया गया है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, मूलांक 5 का स्वामी है, मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है। कन्या में बुध उच्च का होता है, मीन राशि में नीच का होता है और मिथुन राशि इसकी स्वगृही राशि है। अपने घर में हर कोई राजा होता है, राजकुमार भी राजा बन जाता है अपने घर में। तो बुध की अपनी राशि में आने पर विशेष रूप से जो बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बुद्धि का खाते हैं, पत्रकार जगत हुआ या सीए हुए, बैंक सेक्टर हुआ, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग पब्लिशिंग के काम में हैं, जर्नलिज्म में हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो लोग बौद्धिक क्षमता के द्वारा तरह तरह का सृजनात्मक काम करते हैं, कुछ आइटम्स वगैरह बनाते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, कमीशन का जो लोग काम करते हैं, उनके लिए विशेष फ़ायदे का ये टाइम रहेगा। और बुध को, बुध की स्थिति उनके जन्मकालिक स्थिति पर भी डिपेंड करती है। यदि जन्मकालिक स्थिति भी मिथुन में ही बुध है या कन्या में बुध है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बौद्धिक कौशल के द्वारा बहुत समय से उलझे हुए मामले सुलझेंगे। बौद्धिक कौशल के द्वारा, अपनी वाक क्षमता के द्वारा सफलता को प्राप्त करेंगे। वाक संयम रखें। वैसे तो आप बिना मांगे सलाह देते हैं, ये आपकी आदत है, क्योंकि आप गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाते जिनका बुध स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनमें सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता होती है। वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और छोटी सी भी गलती उनके द्वारा नहीं होती है। जब दूसरे भी छोटी छोटी गलतियों को उपेक्षा करते हैं और छोटी छोटी गलतियों को छोड़ देते हैं, तो बुध प्रधान व्यक्ति तुरंत उसको पकड़ लेते हैं और फिर अपनी वाणी के द्वारा उसको समझा देते हैं कि भैया ये काम आपने गलत किया। तो इस प्रकार से जो बुध है, बहुत सारे क्षेत्रों में मैंने बातें बताई आपको, लेकिन बुध मूल रूप से वाणी का कारक है, बौद्धिक क्षमता का कारक है। और जिनकी कुंडली में ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं ऑलरेडी, वो सब इन चीज़ों के धनी होते हैं। जिनकी कुंडली में बुध बिगड़ा हुआ है या किसी पाप ग्रह के साथ है या नीच और अस्त है, वो सही रूप से बोल नहीं पाते, उनके अंदर हेजिटेशन होता है, बकवादी भी होते हैं कई बार, बेफिजूल का बोलने की उनकी आदत होती है, बड़बड़ाने की आदत होती है, सटीक वार्तालाप नहीं करते, ऐसी बात नहीं बोलते कि अगला उनकी बातों को बहुत ही अप्रिशिएट करे। तो बुध अच्छा होना ज़रूरी है वैसे कुंडली में, और एक्चुअली हमारे ग्रह अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये हमारे हाथ में भी नहीं होता, ये परमात्मा पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म है उसके हिसाब से इस जन्म की हमारी कुंडली डिसाइड होती है। लेकिन हम अच्छे कर्म करके, अच्छी सोच रख कर अपनी कुंडली को भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बात भी अक्सर हम लोग नहीं समझ पाते और दैनिक जीवन में छोटी बड़ी गलती करते हैं। बुध ग्रह को किसको स्ट्रॉन्ग करना है, किसको दान करना है, बुध ग्रह की जो नकारात्मकता है उसको कैसे समाप्त करके उसको शुभत्व बढ़ाएं, और जिनकी कुंडली में बुध योग कारक है या किसी पर्टिकुलर कुछ खास देने वाला है, वो कैसे बुध को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, मुझसे पूछते भी हैं लोग कि भाई साबुत मूंग का दान, लोग बता देते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, कुंडली देख कर कहते हैं साबुत मूंग का दान कर दो। अब मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि जो अगर आपका मिथुन लग्न है या कन्या लग्न है, लग्नेश के कारक चीज़ों का दान आप क्यों करते हो, मैं कभी नहीं करवाती, मैं हमेशा मना करती हूँ इस चीज़ के लिए। लग्नेश के कारक चीज़ों का दान करना आपको संकट में डाल सकता है। दान उस चीज़ का होता है जो कोई पाप ग्रह है, आपकी कुंडली में कारक नहीं है, आपको तंग कर रहा है, उस चीज़ का आप दान करो। आपको तो मूंग का सेवन करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का स्वयं को सेवन करना चाहिए, ना कि उसका दान करना चाहिए। तो ये मिथ तो मैंने आपको दूर किया और आपको समझाई बात कि किसी उलझन में ना पड़े, और बुध को स्ट्रांग करने के लिए बुध का दान करने की बजाय बुध को अपने आहार में सम्मिलित करें, बुध के कारक चीज़ों में, जिसमें कि अमरूद है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, साबुत मूंग है, धनिया है, ये सारी चीज़ें आप ग्रहण करें भोजन में। और ये चीज़ें लागू होती हैं मिथुन और कन्या लग्न वालों पर, उनको ये सब चीज़ें अपने आहार में ग्रहण करनी चाहिए। इसके अलावा वृषभ लग्न हुआ, तुला लग्न हुआ, इनकी कुंडली में बुध एक शुभ स्थान का स्वामी है, तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मकर और कुंभ लग्न वालों को भी इसका ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा धनु और जो मीन लग्न है, वो भी विशेष प्रयोजन के लिए बुध की कारक चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी कुंडली के केंद्र स्थान को बलि बना सकते हैं। बुध का दान किसको करना चाहिए, बुध के कारक चीज़ों का दान मेष वाले करें, कर्क लग्न वाले करें, उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। सिंह लग्न वाले भी कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में। इसके अलावा ऐसा कौन सा लग्न है जिसको कि इसका दान करना चाहिए, उसमें मेन तो मित्रों कर्क और मेष लग्न ही हुआ,
और धनु लग्न भी वाले भी कर सकते हैं विशेष परिस्थिति में, लेकिन अगर स्वग्रही है बुध या उच्च का बुध केंद्र में बैठा है तो दान न करें। जो ग्रह कुंडली में उच्च का होता है उसका दान नहीं करना चाहिए। जो ग्रह अस्त हो गया, नीच का हो गया, उसका उसकी कारक चीज़ों का आप दान करें, लेकिन लग्नेश अगर है तो आपको इसका दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बुध की इस बात को समझिए। दूर्वा चढ़ाने से, हरे गणेश जी की पूजा करने से भी बुध स्ट्रांग होता है। धूप पर, ग्रास पर, बिना चप्पल के चलने से बुध स्ट्रांग होता है। अगर आपके कुंडली में बुध स्ट्रांग है या न्यूमरोलॉजी नंबर भी 5 है तो अपने घर में ग्रास वाली कारपेट जरूर लगाएं, उत्तर दिशा में लगाएं, हरियाली करें थोड़ा सा। ग्रास वाली अगर आप कारपेट लगाते हैं तो उससे भी आपकी आपका बुध स्ट्रांग होता है। और जो लोग बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए, फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो उनको भी इससे मित्रों बहुत फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।